हेलो स्टूडेंट, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग फिर से रिज्वाइन हो रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि प्ले लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपेक्षा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्यों कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका आंसर है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है उसको बहुत सारा काम करना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या काम करना होता है? तो गैमिट को बनाना होता है, फीमेल गैमिट को, एग को, ओजेनेसिस प्रोसेस से। फिर स्पर्म यानी मेल गैमिट को रिसीव करना रहता है, फिर मेल फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करना रहता है। फर्टिलाइज होने के बाद उसको इम्प्लांटेशन, जाइगोट का इम्प्लांटेशन करवाना होता है, और इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर इसके बाद बेबी बर्थ जिसको हम लोग पास्चुरेशन कहेंगे, और इसके बाद लैक्टेशन। तो काफ़ी कुछ वर्क होता है, इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डायग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, ये यूट्रस है, इसको हम हिस्टेरा या वोम भी कहेंगे। यूट्रस को हिस्टेरा या वोम भी कहते हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब है स्टूडेंट, आगे बतलाएंगे कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे वन बाई वन करके। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले ताकि और भी स्ट्रक्चर यहाँ डिजाइन किया जा सके। तो स्टूडेंट देखना है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फेम्ब्री हो गया और ये ओवरी हो गया। ये ओवरी है स्टूडेंट, और इसको हम लोग वेजाइना कहेंगे। और ये ऊपर जो पार्ट है इसको सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स और वेजाइना दोनों को एक साथ कहते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल कहते हैं। और ये वेजाइना का ओपनिंग है, इसको ना स्टूडेंट हम लोग वल्वा कहेंगे, ठीक है, इसको वल्वा कहेंगे। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वल्वा। अब यहां पर देखना है, यूट्रस में थ्री लेयर्स होगा जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, पेरिमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, थ्री लेयर होगा। जब यूट्रस पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये हो गया ओवरी और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब हो गया, और ये हो गया यूटेरस जिसको हम वोम भी कहते हैं, बीच में ही लिख देते हैं, इसको यूटेरस है, यूटेरस जिसको वोम कहते हैं या फिर हिस्टेरा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। वन बाय वन करके एक एक पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लें, इस सभी ऑर्गन को एक साथ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको अपने कन्वीनियंट के लिए डिफरेंट पार्ट में बांट कर स्टडी करेंगे। जैसे प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो प्राइमरी में कौन कौन होता है? तो प्राइमरी में केवल ओवरी को रखा गया है, प्राइमरी जॉब करता है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो प्राइमरी जॉब क्या है? गैमिट को बनाना। तो ओवरी गैमिट बनाता है, इसलिए इसको प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ओवरी कहाँ होता है, ठीक है? तो ओवरी यहाँ पर पोजीशन देख लें कि ओवरी किडनी के पास होता है, यही नियर अबाउट कहीं किडनी है, ठीक है। और ये यूट्राइन वॉल और एब्डोमिनल वॉल के द्वारा अटैच रहता है, मेसोवेरियम के द्वारा, ठीक है। एक लिगामेंट है, इसको हम मेसोवेरियम कहेंगे, और इसी के थ्रू ये अटैच रहता है।
किससे अटैच रहता है ये पूछा जाए तो क्या कहेंगे, एब्डोमिनल वॉल और यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट कॉल्ड मेसोवेरियम। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखें कि यूट्रस जो है वो कहाँ होता है, यूट्रस कहाँ होता है, तो यह यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। क्लियर है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब की लंबाई के कितनी होती है, इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तो हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में स्टडी कर लें, ठीक है। ओवरी, ओवरी को हम लोग कहेंगे फीमेल, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो चलिए ओवरी को देख लेते हैं। ये ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया, यहां से देखेंगे बहुत सारा ब्लड वेसल्स इंटर करता है ओवरी के अंदर। ये ना स्टूडेंट पेरिटोनियम है, ये एक पतला मेम्ब्रेन होता है, इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, ध्यान देंगे इसको। ये हो गया पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। इसके नीचे हम देखते हैं यहां पर क्यूबॉइडल इपिथेलियल, ठीक है, सेल का एक लेयर होता है, इसको हम कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। ये जर्मिनल इपिथेलियम हो गया, चलिए यहां तक हो गया, इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। चलिए जर्मिनल इपिथेलियम के बाद हम देखते हैं कि ये जो है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, पूरा कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ स्ट्रोमा है, और इस स्ट्रोमा को हम दो पार्ट में बांट करके स्टडी कर रहे हैं। ये दो पार्ट जो है उसको हम क्या कहेंगे, यहां पर ध्यान देंगे। तो आउटर जो है कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट जो है इसको मेडुला कहेंगे। ये दोनों किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला, है ना, किसका पार्ट है। तो ये हो गया स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा का पार्ट है, स्ट्रोमा, ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रोमा, ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा। थोड़ा इधर कर लेते हैं, साफ क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यहां हम लोग देखें ओवरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर, यहां पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक लेयर हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है स्टूडेंट, यहां पर कहीं हम लोग डिनोट कर सकते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहां दिख नहीं रहा है इसलिए हम इधर लिख देंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो स्टूडेंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक्चुअली ये कॉर्टेक्स को कवर करता है, कॉर्टेक्स को इंक्लूड, ये इनक्लोज करने का एक इन्वेलप है, और उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। यहां तक हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि बहुत सारा यहां प्राइमरी ऊसाइट होता है, प्राइमरी ऊसाइट होता है, और ये प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर ग्रैनुलोसा सेल का लेयर होता है, ग्रैनुलोसा सेल का लेयर होता है, और इसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, इसको ना स्टूडेंट हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकल। और इसके बाद ये डेवलप होकर के सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा और मैच्योर फॉलिकल बनेगा जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का पहचान क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का पहचान क्या है, ये अगर हम देखें कि ग्राफियन फॉलिकल का, तो इसका पहचान है फ्लूड फिल्ड एंट्रम, फ्लूड से भरा हुआ एक पार्ट होता है एंट्रम, यहां पर देखेंगे स्टूडेंट फ्लूड फिल्ड एंट्रम, ये हो गया हम लोग का ग्राफियन फॉलिकल। अब इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल क्यों है, यहां इसको डिनोट करते हैं ग्राफियन
फॉलिकल, इसका खोज किए थे डिग्राफियन और इसलिए इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और एक बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। और ओवुलेशन के बाद क्या होता है, एक बाहर निकल गया और ये फटा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यह एक हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, इसको हम इधर दिखाएं, ठीक है स्टूडेंट, चलिए नीचे वाला भी दिख रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो स्टूडेंट कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखना है कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है, प्रोजेस्टेरॉन का तो ये इंडोमेट्रियम को यानी यूट्रस का जो लाइनिंग है इनर लाइनिंग उसको ये वैस्कुलेटेड बना देता है, वैस्कुलेटेड बना देता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्विकेंस के रूप में डिजेनरेट हो जाएगा, इसको आप कहेंगे कॉर्पस एल्विकेंस, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप में डिजेनरेट हो जाएगा और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। ये साइकिल चलेगा और इस साइकिल के बारे में वेल रूप से बतलाया जाएगा और वो टॉपिक होगा मैंचुरेशन साइकिल MC, तो उस टॉपिक में इसको डील किया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ओवरी का स्ट्रक्चर भी देखे हैं, ओवरी कहाँ होता है तो ओवरी किडनी के आसपास होता है, नियर किडनी, और ये कैसा ऑर्गेन है, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, थिकनेस क्या है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन अराइज हो सकता, में भी अराइज हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये किसके द्वारा अटैच रहता है, ठीक है, तो कहेंगे कि ये अटैच रहता है यूट्राइन वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से, किसके द्वारा अटैच होता है, तो ये अटैच होता है लिगामेंट के द्वारा, उस लिगामेंट को क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, मेसो आर्कियम एक शब्द होता है स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, वो मेढक में होता है, मेढक का टेस्टिस कहाँ होता है, उसके एब्डोमेन में होता है, तो वो एब्डोमिनल वॉल से वो अटैच रहता है, मेसो आर्कियम से वो अलग हो गया, मेसो वेरियम जो होता है ये क्या होता है, मेसोवेरियम यानी ओवरी को होल्ड करने वाला लिगामेंट को कहते हैं मेसोवेरियम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो ये सारा चीज जो है वो रिटेन में हम देंगे, तो पहले इस डायग्राम का फोटो क्लिक कर लेना है स्टूडेंट। हाँ तो अब लेंथ ब्रेथ ये सब जो है देख लेते हैं, लेंथ ऑफ ओवरी, ओवरी का लेंथ अकॉर्डिंग टू NCERT बुक अगर देखें तो उसमें दिया हुआ है 2 to 4 centimeter, ठीक है, और वेट अगर हम देखें तो यही नियर अबाउट ये 25 to 35 gram तक हो सकता है मे बी, ठीक है, इसके आसपास हो सकता है। चलिए तो ये लेंथ देख लिए हम लोग और वेट देख लिए, और ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हम लोग देख लिए कि क्या है, ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो दो भाग हो गया, ठीक है, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, तो उस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं, तो ओवरी ओवरी इज फाउंड नियर किडनी,
ओवरी इज फाउंड नियर किडनी, इट इज वन पेयर फाउंड एट बोथ साइड ऑफ यूटेरस, इट अटैच विथ ये किससे जुड़ा रहता है? तो इट अटैच विथ एब्डोमिनल वॉल बाय लिगामेंट, ये एब्डोमिनल वॉल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है, कॉल्ड मेसोवेरियम, जिसको हम मेसोवेरियम कहते हैं। तो ध्यान दें, हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ओवरी कितना है? 2 से 4 सेंटीमीटर। वेट कितना है? नियर अबाउट 25 to 35 ग्राम है। और ओवरी कहाँ पाया जाता है? किडनी के आसपास पाया जाता है। और ये एक जोड़ा होता है, ठीक है, एक जोड़ा होता है, फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड में पाया जाता है। और इट अटैच विथ एब्डोमिनल वॉल बाय लिगामेंट कॉल्ड मेसोवेरियम। ये मेसोवेरियम शब्द याद रखना है, क्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ओवरी जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा कवर रहता है, ठीक है। तो ओवरी पेरिटोनियम से कवर रहता है, ये बात लिख लेते हैं। ओवरी कवर्ड बाय पेरिटोनियम से कवर रहता है। ओवरी किससे कवर रहता है? पेरिटोनियम से कवर रहता है। चलिए सेकंड नंबर कि पेरिटोनियम के नीचे क्यूबाइडल एपिथेलियल का एक लेयर होता है, और उस लेयर को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए, इसके बाद हम आगे इसको मिटा करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ये पेरिटोनियम जो है उसके नीचे क्यूबाइडल एपिथेलियल पाया जाता है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियल लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियल लिखेंगे तो बेहतर ज्यादा होगा, लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियल फाउंड अंडर, किसके अंडर पाया जाता है? तो पेरिटोनियम के नीचे क्या पाया जाता है? तो लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियल पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियल कहते हैं। चलिए यहां तक हो गया। तो स्टूडेंट, जर्मिनल एपिथेलियल क्या है, यानी कि ये पेरिटोनियम जो है एक मेम्ब्रेनस लेयर है जो ओवरी को कवर किए हुए है, उसके नीचे क्यूबाइडल एपिथेलियल का एक लेयर पाया जाता है, और उसी को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, ओवरी डिवाइडेड है टू पार्ट, ओवेरियन स्ट्रोमा। तो देखिए ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है? तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब देखिए, आउटर कॉर्टेक्स इज
कवर्ड बाय एक लेयर से कवर्ड रहता है, उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो यहां देख लिए स्टूडेंट कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है, लंबाई क्या है, ठीक है, वेट क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूट्रस क्या है। तो यूट्रस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। गुड बाय स्टूडेंट।